हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं सुबह में उठ रही हूँ, मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी धूप निकला है और बहुत ज़्यादा ही ठंड बढ़ा दिया है इधर। और मैं ऊपर में आई थी फूल लेने के लिए, देखिए मैं दिखाती हूँ फूल उड़ कर मैंने रख लिया है, मैं रख ली हूँ। मैं कैमरा से दिखाती हूँ मैं आपको, और ये देखिए उड़हुल का फूल है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा है और सुंदर है। कभी कभी चार, कभी दो, कभी एक निकल ही जाता है डेली। और ये मेरा छोटा सा गार्डन है, मैंने इसमें पेड़ पौधे सब छोटे छोटे लगाए हैं और उड़हुल का फूल मैंने ज़्यादा लगाया है। और ये देखिए कैक्टस है जो कांटा वाला है, तो इसको भी मैं गमला में लगा दी हूँ। और उसके बाद देखिए ये मेरे पैर में चोट लग गया, छत पर चढ़ने का नतीजा है, जो सुबह सुबह मैं डेली चढ़ती हूँ तो इस वजह से अब पूरा ही चोट में लग गया था छठ फ्लोर का दरवाज़ा लगाने के समय में ही। और यहाँ पे देखिए सूरज दिख रहा है और इधर मेरा चाय बन रहा है फ्रेंड्स, तो चाय मेरा हो गया है तो चाय मैं छान कर पी लूँगी और उसके बाद में मैं बाकी सब काम में लगूँगी। क्योंकि सुबह सुबह में मुझे आज फुल एनर्जी के साथ डाउन एनर्जी भी हो गया, क्योंकि फुल एनर्जी के साथ मैं उठी थी लेकिन ऊपर जाने के बाद चोट लगने के बाद तो एनर्जी डाउन हो गया मेरा। और उसके बाद में देखिए भी मैं उसी हाल में खाना भी बनाने लगी, क्योंकि किसी का भी हेल्प नहीं मिलता है तो इस वजह से मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो देखिए मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा चोट लग गया था तो दर्द भी हो रहा था और इधर टिया भी उठकर आ गई थी और इसका स्कूल जाने का भी समय हो गया है फ्रेंड्स, तो ये अपने उठ गई थी। एक बार मैं आवाज़ दी थी तो बोली थी कि मैं उठती हूँ थोड़ा देर के बाद, तो ये उठ गई है। और इधर आज मैं बना रही हूँ कच्चू का सब्ज़ी, तो इसको हम लोग रोटी भी बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं तो आप लोग बताइएगा। इसका रेसिपी मैं डाली हूँ पिछले वीडियो में, आप लोगों को प्रॉपर रेसिपी का वीडियो ये चाहिए तो आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैं अपने काम में जुट गई और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई है आजकल हम लोगों की तरफ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग की तरफ कितना ठंड अभी बढ़ा है, इधर बहुत ज़्यादा ही ठंड लगता है। और मुझे तो ठंड में बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो जाता है। और मेरा काट के मैंने सब्ज़ी को रख लिया था, मैं सिर्फ उसको धोकर सब्ज़ी में बनाऊँगी। और इधर मैं टिया को तैयार कर ले रही हूँ, ड्रेस पहना दी थी और उसके बाद उसका सिर्फ बाल बनाना था और उसके बाद उसको जूता पहनाऊँगी, बस उसके बाद उसको भेज दूँगी स्कूल। और टिफ़िन में लेती नहीं है रोटी वगैरह, तो उसके लिए रोटी मैं कभी कभी बनाती हूँ, नहीं तो बिस्कुट ही लेकर चली जाती है वो। और सुबह में दूध और कैलॉक्स दे देती हूँ खाने के लिए, तो उसको मैं देखिए अभी मैं सब मुँह सब पोछ दे रही हूँ। और सुबह में ब्रश करती है वो अपने ही, लेकिन मुझे कराना नहीं पड़ता है, कभी कभी मुझे कराना पड़ता है, नहीं तो हमेशा अपने ही कर लेती है। और जाने में तो बहुत ज़्यादा ही नखरा है और देखिए कि कैसे ही कर रही है, कभी खुश रहती है तो बहुत आराम से स्कूल चली जाती है, लेकिन जिस दिन जाने का मन नहीं रहता उस दिन नहीं जाती है वो बढ़िया से, उस दिन रोते रोते जाती है। लेकिन जाने के समय में मूड उसका ठीक हो जाता है और उसके बाद फिर बोलती भी है कि तुम लेट से आना, अभी दो तीन दिन से बोल रही है कि तुम लेट से आना स्कूल। तो ठंड में बच्चों लोग को स्कूल जाने का मन तो नहीं करता है लेकिन फिर भी जाना ही पड़ता है और मुझे भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे लोगों को। ऐसे ही लॉकडाउन की वजह से बच्चों लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है पढ़ाई का। तो देखिए अब मेरा इसका तैयार मैं कर ली हूँ, सिर्फ स्वेटर इसको पहनाऊँगी और उसके बाद मैं इसको मैं भेज दूँगी स्कूल। और उसके बाद में जो मेरा काम बचा हुआ है घर का वो सभी मैं कर लूँगी। और बच्चों को घर में बच्चे के साथ में थोड़ा सा देर हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको तैयार भी करना पड़ता है और हस्बैंड को भी लंच तैयार करना पड़ता है तो देर हो जाता है। और इधर मेरा देखिए कढ़ाई मेरा गर्म हो गया था तो मैं प्याज वगैरह सब काट कर मैं उसमें रखी थी तो उसको मैं डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद प्याज मेरा ब्राउन हो जाएगा तो मैं जो कच्चू काटी थी वो वाला भी मैं डाल दूँगी। तो इसको अरबी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत जगह सब जगह अलग अलग नाम है इसका, अरबी बोलते हैं, कच्चू बोलते हैं और टोटी भी बोलते हैं, तो हम लोग की तरफ टोटी ही बोलते हैं, आप लोग अरबी समझते होंगे, तो जो जिस नाम से जो आता है वो नाम इसको बोलता है। और उसके बाद मेरा भुन गया था, इसको ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का ही थोड़ा सा भुनना। और उसके बाद में मैंने मसाला जो मिक्सर में पीसा था वो मैं सभी को डाल दे रही हूँ। और मसाला में मैंने वही ले लिया था डेली बेसिक के मसाले, हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा और लहसुन। और उसके बाद में हल्दी पाउडर और टमाटर मैं इसमें दो काट कर डाल दे रही हूँ और नमक स्वाद अनुसार। और सिंपल से सब्ज़ी मैंने बनाया है आज, और इसका सिंपल ही सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है और ये भूनते भूनते ही इसका जो है सो सीज जाता है फ्रेंड, तो और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है। और ये एक खड़ा रह गया था तो मैं चाकू से ही काटी थी तो इस वजह से खड़ा रह गया था, मैं चिलोही का नहीं इस्तेमाल की थी काटने के लिए। और ये देखिए मैं इसको
मीडियम फ्लेम में करके भून रही थी अच्छा से, और उधर टिया को भी भेजना था तो इसलिए तो टिया को मैं भेज दी थी। और उसके बाद में देखिए मैं इधर अपना काम में लग गई हूँ और ये मेरा भुन गया था मसाला। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी और उसके बाद मेरा सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसके साथ मैंने दाल चावल दोनों बनाया है और आटा आटा को भी मैंने मिला कर रख लिया है, तो मैं हस्बैंड के लिए जब ले लेंगे टिफ़िन तो उस समय मैं बना दूंगी और तब तक मैं उनको चावल और दाल दे दूंगी और सब्जी। तो ये देखिए मेरा दाल चावल और अरबी का सब्जी मेरा बनकर तैयार हो गया है। और आप लोग बताइएगा कि अरबी का सब्जी आप लोग बनाएं तो कैसा लगा, कैसा बनता है। और उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे आ गई थी नहा धोकर पूजा करने के लिए और मैं पूजा करके मंदिर जाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं डेली मंदिर जा रही हूँ भोलेनाथ पे पानी डालने के लिए। एक लोटा जल मैं हमेशा भी डेली चढ़ा रही हूँ और ये मेरा पूजा का थाली तैयार हो गया है और अब इसको लेके मैं मंदिर चली गई। और उसके बाद में फिर टिया को लाने के लिए भी चली गई फ्रेंड, और उसके बाद वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी। और ये देखिए मैं टिया को लेकर आ गई थी स्कूल और ये गुस्सा हो गई है थोड़ा सा, और उसके बाद में उसको मनाई, उसके बाद उसको मैं जैम और रोटी खाने के लिए दे दी। और आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप लोगों को, और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। फिर मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।